वाई पाकिस्तान कोक स्टूडियो इज बेटर देन कोक स्टूडियो इंडिया, या ये वीडियो है रैप बोर्ड की बिल्कुल। तरफ से। मेक श्योर टू सब्सक्राइब हिम, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और शुरू करते वीडियो हैवी को। पिछले हफ्ते हमें एक बहुत बड़ा म्यूजिक कोलैबोरेशन देखने को मिला। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, बॉलीवुड के सक्सेसफुल सिंगर अरमान मलिक एंड के पॉप ग्रुप ट्राइबी ने एक म्यूजिक वीडियो के लिए कोलैब किया, एंड दिस इज सो फार वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन वी हैव सीन इन इंडियन म्यूजिक सीन। बट द सरप्राइज हियर इज, ये म्यूजिक वीडियो हमें कोक स्टूडियो इंडिया की तरफ से देखने को मिला है, कोक स्टूडियो इंडिया के यूट्यूब चैनल में देखने को मिला है, एंड आफ्टर 6 लॉन्ग ईयर्स दे हैव अपलोडेड अ म्यूजिक वीडियो। सो द क्वेश्चन हियर इज, 6 साल तक कोक स्टूडियो इंडिया कहाँ पे? 4 कोक स्टूडियो इंडिया के सीजन के बाद क्यों कोक स्टूडियो इंडिया अचानक से बंद हो गया? मदारी, हुस्न, यात्रा जैसे मास्टरपीस हमें कोक स्टूडियो इंडिया की साइट से देखने को मिले थे, बट व्हाट वेंट रॉन्ग? ऑन द अदर हैंड, कोक स्टूडियो पाकिस्तान के हमें 14 सीजन अब तक देखने को मिले हैं। हर साल हमें एक नया सीजन देखने को मिलता है, हर साल वो लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, हमें नई म्यूजिक, नई सेट डिजाइन और नए सिंगर्स कोक स्टूडियो पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, और हर साल कोक स्टूडियो पाकिस्तान का सीजन सुपर हिट होता है। सो ऐसा क्या है कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है और कोक स्टूडियो इंडिया को 4 सीजन के बाद ही शट डाउन करना पड़ गया? सो इन दिस वीडियो वी विल फाइंड आउट द रीजन व्हाई कोक स्टूडियो इंडिया फेल्ड और व्हाई कोक स्टूडियो पाकिस्तान इज बेटर देन कोक स्टूडियो इंडिया। उसने जाना की तारीफ, ये रीजन है। सो अगेन, एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। सोचना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कर। द एवोल्यूशन ऑफ कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो इंडिया 2011 में स्टार्ट हुआ था, और जैसा मैंने बोला, अब तक हमें इसके 4 सीजन और 31 एपिसोड्स देखने को मिले हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कोक स्टूडियो पाकिस्तान की बात करें तो ये 2008 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक हमें इसके 14 सीजन देखने को मिले हैं, और टोटल 76 एपिसोड अभी तक कोक स्टूडियो पाकिस्तान के आ चुके हैं। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मुझे कोक स्टूडियो इंडिया और कोक स्टूडियो पाकिस्तान में फील हुआ, वो था एनवायरमेंट एंड सेट डिजाइन। सो अगर तुम कोक स्टूडियो इंडिया के सीजन 1, 2, 3 या फिर 4 को एक दूसरे से कंपेयर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और सेट डिजाइन, तो तुम्हें ज्यादा कुछ डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बढ़ते सीजन के साथ हमें सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस सेट डिजाइन, डायरेक्शन में देखने को मिले थे कोक स्टूडियो इंडिया में। ऑन द अदर हैंड, कोक स्टूडियो पाकिस्तान ने सिनेमेटोग्राफी और सेट डिजाइन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो अगर तुम कोक स्टूडियो पाकिस्तान के पहले के सीजन चेक करोगे और अब के सीजन चेक करोगे, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सेट डिजाइन पहले से, ये बात तो सही है भाई, इस बार का जो कोक स्टूडियो पाकिस्तान था ना, उसके अंदर अलग अलग सॉन्ग के लिए अलग अलग सेट डिजाइन किया था यार, सब सॉन्ग के हिसाब से थीम रखी गई भाई। जैसे अपन ने मसूरी देखा था, उसमें एकदम अलग सेट था, कना यारी देखा, उसमें एकदम अलग, सब गानों में अलग। इस बार बहुत ज्यादा खर्चा किया था प्रोडक्शन, क्योंकि उनको पता है यार, हम सब रिकवर कर लेंगे, क्योंकि उन्हें अपने आर्टिस्ट पर भरोसा है, और वाकई में ऐसे गाने बनाकर दिए वो सॉन्ग बिलियन, मतलब कितना ज्यादा कमा रहे हैं। कन्ना यारी कितना हिट हुआ, पसूरी कितना है, पसूरी तो आज भी यार कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में दिखता ही रहता है। बिल्कुल यार, चलो आगे देखते हैं। डिजाइन पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गया, और ये सेट डिजाइन चेंज हमें हर सीजन में देखने को मिलता है। तो अगर टाइम के साथ चीजें इवॉल्व नहीं होगी और हमारे आंखों को सेम चीजें दिखेगी बार बार हर सीजन में, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑडियंस के इंटरेस्ट उस टीवी सीरीज या फिर उस एपिसोड या फिर उस सीजन से जाने लग जाएगी। और कहीं ना कहीं कोक स्टूडियो इंडिया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां कोक स्टूडियो पाकिस्तान इवॉल्व कर रही थी, इम्प्रूव कर रही थी, कोक स्टूडियो इंडिया ने टाइम के साथ विजुअल चीजों पे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। तो तुम लोग सोच रहे होगे कोक स्टूडियो इज अबाउट म्यूजिक, इसका वीडियो से क्या लेना देना, विजुअल से क्या लेना देना, सिनेमेटोग्राफी से क्या लेना देना। तो चलो अब हम म्यूजिक पे भी बात कर लेते हैं। सो कोक स्टूडियो को जो चीजें इतना ज्यादा पॉपुलर और इतना ज्यादा डिफरेंट बनाती है, वो कोक स्टूडियो की म्यूजिक है। स्टार्टिंग से ही नेटिव म्यूजिक, फोक म्यूजिक या फिर रीजनल म्यूजिक
सुनने को मिलता हुआ आ रहा है। कोक स्टूडियो उन रीजनल आर्टिस्ट को मौका दिया करती थी जिनको कोई जानता नहीं है या फिर इंडस्ट्री में जिन्हें ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। सो कोक स्टूडियो पाकिस्तान अभी भी इन सब चीजों को फॉलो करती हुई आ रही है। कोक स्टूडियो पाकिस्तान में अभी भी हमें फोक म्यूजिक का फ्यूजन देखने को मिलता है, उनकी रीजनल म्यूजिक का फ्यूजन देखने को मिलता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो नए नए सिंगर्स और नए नए आर्टिस्ट जो उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट कोने से जो आते हैं उन्हें कोक स्टूडियो में मौका देते हैं। ऑन द अदर हैंड कोक स्टूडियो इंडिया भी इसी सिमिलर वे में स्टार्ट हुआ था, पर धीरे धीरे कोक स्टूडियो इंडिया को बॉलीवुड ने टेक ओवर कर लिया और हमें कमर्शियल या फिर बॉलीवुड टाइप के फ्यूजन कोक स्टूडियो में ज्यादा देखने को मिलने लगे। कोक स्टूडियो इंडिया ने अपनी ओरिजिनैलिटी खो दी। जिस चीज के लिए कोक स्टूडियो इंडिया को जाना जाता था या फिर जिस चीज के लिए कोक स्टूडियो पॉपुलर थी वो हमें कोक स्टूडियो इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा था। अगर हम देखें तो हमारी इंडिया की जो म्यूजिक है और हमारा कल्चर है वो बहुत ज्यादा रिच है। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, नॉर्थ इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेजेस, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, या फिर अगर हम नेटिव लैंग्वेज या फिर अगर हम ट्राइब लैंग्वेज को एक्सप्लोर करें तो उधर हमें और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और ये बात तो बिल्कुल सही बोली इन्होंने भाई। हम कोक स्टूडियो पाकिस्तान में हमने काफ़ी सॉन्ग्स पर रिएक्शन किया है और हर सॉन्ग में हमें पाकिस्तान के कई अलग अलग प्लेसेस के कल्चर्स भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस सुनने को मिलती है। जैसे एक वो जो लड़कियां फेमस हुई थी शायद जस्टिन बीबर वाली, उनको भी शायद चांस दिया गया है कोक स्टूडियो में, जिन्होंने जस्टिन बीबर का गाना गाती रहती है जो उनको भी शायद चांस मिला है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग सॉन्ग सुने हमने, और भी वहाँ के सिंधी हो गए, बलोची हो गए, पश्तून हो गए, मतलब उनका जो भी कल्चर है अलग अलग प्रोविंस का, यहाँ पर सब जगह का कल्चर वो लेकर आए कोक स्टूडियो में। सेम वो चीज यहाँ पर कितने कल्चर है यार, यहाँ पे कितने ला सकते, तमिल, तेलुगु, अनगिनत है यहाँ तो भाई, और बहुत सारे मतलब यहाँ पर तो ये कह सकते अलग अलग स्टेट का अलग अलग कोक स्टूडियो बन सकता है। स्टेट के अंदर भी अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस है, वहाँ के अलग अलग सॉन्ग लेके बन सकते हैं, जैसे कोल्ठा म्यूजिक हो गया, ऐसा बहुत सारे सॉन्ग्स यहाँ पर बहुत बन सकते हैं यार, पर क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फेमस है। ऐसा नहीं है कि वो फेमस नहीं है, इंडिया के अंदर ही फेमस है, एक स्पेशल एरिया में फेमस है, लेकिन उसको अगर कोक स्टूडियो थ्रू डिस्क्राइब वो किया जाए, दिखाया जाए, तो हो सकता है वो और ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। देखते हैं अब आगे जो नया सीजन आ रहा है कोक स्टूडियो का उसमें क्या होता है इंडिया में, आगे देखते हैं। अगर इसे प्रॉपरली एक्सप्लोर किया जाता और टैलेंटेड आर्टिस्ट ढूंढे जाते तो हम कितने सारे फ्यूजन और कितने सारे म्यूजिक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते थे, पर कोक स्टूडियो इंडिया ने ऐसा नहीं किया। सो माय पॉइंट वाज, इंडियन कोक स्टूडियो ने इंडियन फोक म्यूजिक, रीजनल म्यूजिक के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जहाँ पे पाकिस्तानी कोक स्टूडियो ने उसे बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था, आई फाउंड अ कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है और उन्होंने बहुत अच्छे से इसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। एंड दैट इज समथिंग दैट पाकिस्तानी कोक स्टूडियो इज डूइंग रियली वेल, देयर म्यूजिक इज डाइवर्स और द अरेंजमेंट इज रियली रियली यूनिवर्सल, यूनिवर्सल अरेंजमेंट है उनका। ये बात और एक चीज जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कोक स्टूडियो के गानों में, उनके जो ब्रिजेस होते हैं, जो ट्रांजिशंस होते हैं, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि गाना मान लो 2 मिनट्स, 2.5 मिनट्स तक गाना नॉर्मली चलता है, एक इंट्रो होता है, उसके बाद गाना शुरू होता है, नॉर्मली चलता है, उसके बाद अराउंड 2.5-3 मिनट्स के बाद एक 30 सेकंड्स का या 1 मिनट का एक सिर्फ सोलो इंस्ट्रूमेंटल चलता है उसमें, या ये बात तो है, ये अपन भी नोटिस करते कई बार, तो टेम्पो चेंज करेंगे कुछ, तो पैटर्न में चेंज कर देंगे, और उस 1 मिनट के इंस्ट्रूमेंटल के बाद द एनर्जी ऑफ द सॉन्ग गोज ऑन अ डिफरेंट लेवल। देखा, वो ट्रांजिशन जो है वो इंडियन मतलब कौन से गाने में देखने को मिलते हैं, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। बॉलीवुड इज एवरीवेयर, बॉलीवुड ने तो बहुत काम खराब कर दिया। इंडिया के पास बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, इंडिपेंडेंट सिंगर है,
इंडिपेंडेंट म्यूजिक बैंड है एंड वन ऑफ माय फेवरेट इंडिपेंडेंट बैंड इज द लोकल ट्रेन. और ऐसे और भी इंडिपेंडेंट बैंड और सिंगर्स है जो बहुत ही ज्यादा फेम डिजर्व करते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी डिजर्व करते हैं, बट उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी जाती है. ऑन द अदर हैंड जो सिंगर पहले से पॉपुलर है, जो ऑलरेडी बॉलीवुड में गाने गा रहे हैं, जिनकी आवाज हम सब ने ऑलरेडी सुन रखी है, उन लोगों को कोक स्टूडियो इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म दिया जाता है. सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोक स्टूडियो इंडिया बुरा था. कोक स्टूडियो इंडिया वाज गोइंग रियली गुड. कुछ हमें बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस भी देखने को मिले, कुछ हमें बहुत बढ़िया ट्रैक्स सुनने को मिले कोक स्टूडियो इंडिया के साइड से. बट कुछ चीजें थी जो अगर इम्प्रूव होती तो कोक स्टूडियो इंडिया आज भी चल रहा होता, जैसे कोक स्टूडियो पाकिस्तान आज भी चल रहा है और इतना ज्यादा सक्सेसफुल है. सो कोक स्टूडियो इंडिया ने कुछ हफ्ते पहले ही एक ट्रैक डाला है जिसमें हमें अलू अर्जुन, अरमान मलिक और ट्राई भी देखने को मिले हैं. तो होपफुली ऐसा हो सकता है कि कोक स्टूडियो इंडिया 6 साल के बाद फिर से रिटर्न करे और हमें इस बार कोक स्टूडियो इंडिया के साइड से वो गलतियां देखने को ना मिले जो कोक स्टूडियो इंडिया ने 6 साल पहले करी थी. मदारी 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 मेरा तुम मैं जम्मूरा रे जम्मूरा जम्बो. सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब. भाई वीडियो इधर ही एंड होता है और सच में इन्होंने जो बात बोली एक एक बात सच है. स्टार्टिंग में जब कोक स्टूडियो शुरू हुआ था गाने अच्छे अच्छे आए थे, जैसे मदारी का एग्जांपल ले लो. इस तरह के और भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आए थे, मैं सुनता भी था उस टाइम, मैं स्कूल जाता था जबकि बात है. सच में अपन एमटीवी पे आता था जब यूट्यूब का इतना वो नहीं था ना, तो टीवी पे देखा करते थे और हम सारे एपिसोड्स देखा करते थे. वो तैयारी करते थे वो भी देखा करते थे और फिर जो सॉन्ग होता था शुरू वो भी देखते. और फिर जब हम बड़े हुए रिएक्शन शुरू किया तो पता चला पाकिस्तान में भी कोक स्टूडियो, पाकिस्तान के देखे तो भाई पता चला भाई यहाँ पर तो भाई और भी नेक्स्ट लेवल गाने बन रहे हैं. यार ये सोच, ये इतने साल हो गए अपने को कोक स्टूडियो को ना, इंडिया को ना देखे हुए, कि अपने को ऐसा याद है कि अपने बचपन में देखा था. हाँ. अपने बचपन की बात हो गई है वो. exactly. मतलब इतने साल हो गए कोक स्टूडियो को बन हुए को, इंडिया को 4 सीजन आए थे सिर्फ और उसके बाद बंद हो गया था. लगातार 3 सीजन तो मैंने लगातार देखे हैं, लास्ट वाले, फर्स्ट वाला मैंने नहीं देखा था. उस टाइम हमें बड़ा शौक था, हम बड़े एमटीवी यूथ के प्रोग्राम देखते थे, रोडीज वगैरह. एमटीवी के ऑलमोस्ट सारे ही शो हम देखा करते थे, वो सारे शो भी यूथ के आते थे. लेकिन इसमें कोई शक नहीं है भाई कि पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर बात करें तो काफ़ी अभी के टाइम पे तो काफ़ी आगे इंडिया से, बहुत ज़्यादा आगे. क्योंकि जिस तरह के वो सॉन्ग्स निकाल रहे हैं, एक यूनिकनेस होती है हर सॉन्ग में, जो यूनिकनेस वाले सॉन्ग होते हैं ना वही आके आगे जाके इंडिया में आते हैं और फिर इंडिया में भी पॉपुलर होते हैं. जैसे अभी रिसेंटली कहानी सुनो भाई, क्या सॉन्ग है वो, कितना ज्यादा पॉपुलर हुआ वो. और इंडिया में सबसे ज्यादा सुना गया है उसे, ये भी बता दें, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सुना गया, इंडिया में आज तक चल रहा है वो सॉन्ग. नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने भाई, कितने गाने आज इंडिया में रीमेक बन रहे और आज सुपर डुपर हिट हो रहे हैं, बिलियन में व्यूज आ रहे हैं उनपे. तो भाई देख लो पाकिस्तान म्यूजिक में है एक फील है यार, वो फील कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग हो जाता है. नहीं ऐसा नहीं है, पहले क्या था कि पहले बहुत बड़े सच में एक्चुअली मौका दिया जाता था और म्यूजिक जो रहता था ना उसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी. अब इंस्ट्रूमेंट्स को, ऑटो ट्यून्स को, इनको इतनी इंपॉर्टेंस दे दी गई है कि म्यूजिक जो एक्चुअली सोल म्यूजिक होता है उसको इतनी इंपॉर्टेंट पहले जितनी नहीं दी जा रही है. आजकल हर कोई तो सिंगर बन रहा है, एक्टर सिंगर बन रहा है हमारे यहाँ तो भाई. जिसको एक्टिंग ठीक से नहीं आती वो सिंगर बन जा रहा है. तो ये बात तो है, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है जो एकदम रॉ होते हैं ना, जो रॉ सिंगर्स होते हैं, जिनको पहले कभी कोई चांस नहीं मिला, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, उन लोगों को जो खुद से सीखे हुए उनको मौका दिया जाता है. पाकिस्तान के अंदर पैदाइशी गुण है और उसके बाद जो है वो आते हैं तो फिर पूरी दुनिया पे छा जाते हैं. ऐसा मैंने कई सॉन्ग्स में देखा है जिन ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है जो खुद से सीखे, कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली हो या सीखे भी नहीं है, बस आके गा दिया है, गाने लग गए, जिनकी ट्रेनिंग लेके गा दिया है. और यहाँ पर क्या सिर्फ ट्रेंड सिंगर्स को ही ज्यादा मौका दिया जाता है जिन्होंने सीखा हुआ है बहुत सारा सरगम वगैरह सब कुछ जिन्होंने सीखा हो उनको ज्यादा. हाँ या तो ऐसा होना कि भैया आपके पास भैया ऐसे ऐसे कर कान पकड़ने वाली क्षमता हो आपके अंदर कि मेरे गुरु श्री वो थे श्री ये थे, नाम बताना होगा. और जैसा कि इन्होंने बोला इंडियन कोक स्टूडियो में भी ऐसे बैंड्स को चांस मिलना चाहिए जिनको जो डिजर्व करते हैं बड़े प्लेटफॉर्म पर. ये नहीं क्या सिर्फ फेमस के पीछे पड़ जाओ. पाकिस्तान कोक स्टूडियो जिसको भी लेके आता है ना वो पहले से फेमस नहीं होता है, वो गाना गाता है और उसके बाद फेमस होता है, उसके बाद वो अपनी पहचान बनाता है. पहले हम बैंड भी बहुत सुनते थे लेकिन अब लास्ट बैंड मुझे याद है सनम हमारा लास्ट बैंड है, जो मुझे एक्चुअली याद है कि सनम एक बैंड था, मतलब है अभी भी वो वीडियो, वो कंटिन्यू वीडियो डालते रहते हैं यूट्यूब पर और अच्छे सॉन्ग्स गाते. तो मुझे लास्ट जो बैंड याद है वो सनम बैंड याद है. इसके अलावा हम मुझे ख्याल से तुझे याद है कोई बैंड? इसके अलावा हम बचपन में एक बैंड देखते थे जिसमें फरहान सईद थे और शायद आतिफ असलम भी उसी में थे, लेकिन उस टाइम हमें लगता था वो बैंड इंडिया का है. आदत करके एक एल्बम भी थी,
और फरहान सईद के उस भी कई गाने थे, एक कोई एल्बम थी यार मुझे याद नहीं आ रहा उसका। हम एक्चुअली सच में यार अपन म्यूजिक को कितना पसंद करते थे यार उस टाइम पे। हम एक्चुअली में उस टाइम पर मतलब हम बच्चे थे तो हम यूथ के सॉन्ग्स ज़्यादा सुनते थे, मतलब हम टीनेज में थे लाइक 14-15-16 साल के थे, तब की बात बत कर रहे हैं ना, आज से 10-12 साल पहले की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तब हम बहुत ज़्यादा बैंड, खास करके बैंड्स हम बहुत ज़्यादा सुनते थे उस टाइम पे, बैंड सिंगल, ये मेरा दीवानापन है, इस टाइप के जो सॉन्ग्स होते हैं, आइकॉन के सॉन्ग के हमारे पास वीडियोस पड़े होते थे और हम वो भी बहुत सुनते थे, रीजंस और भी बहुत सारे थे यार। बिल्कुल, तो बताना गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ भी शेयर करना हो तो कमेंट करना, और ये किसी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं था, इंडिया के कोक स्टूडियो का डिग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, हम बस ये चाहते कि भाई कोक स्टूडियो इंडिया भी अपना नाम कमाए और इंडिया का टैलेंट उभर के उसमें आए, इंडिया में टैलेंट तो है ये तो हम भी जानते हैं, बस उनको चांस दे और आगे आए बस। और इंडिया का कोक स्टूडियो नंबर 1 बन सकता है, इतना हमें पूरा यकीन है, इंडिया के अंदर पोटेंशियल है। है तो बताना कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।